हेलो एंड वेलकम टू द ग्रामर गेम। आज का हमारा वर्ड है OWEO। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को OWEO वर्ड के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ओ का मतलब क्या होता है और इसे यूज कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस OWEO वर्ड से रिलेटेड सारे के सारे कंफ्यूजन्स की क्लियर कर दूंगी, दूर कर दूंगी। इस वीडियो के देखने के बाद मेरा दावा है आप OWEO वर्ड यूज करने में कभी गलती नहीं करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, ताकि आपको OWEO वर्ड कहां, कब और कैसे यूज करना है बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब जानते हैं। OWEO वर्ड का मतलब होता है कर्जा, कर्जा लेना या फिर कर्जा देना। अब एक सेंटेंस है आई ओ यू। बहुत से लोग सोचते हैं इसका मतलब है मुझे तुम्हारे पैसे देने हैं, और वहीं बहुत से लोग ये समझते हैं इसका मतलब है तुम्हें मेरे पैसे देने हैं। लेकिन कौन सा सही है यह हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक है जिससे पहचाना जा सकता है आई ओ यू इसका मतलब मुझे तुम्हें पैसे देने हैं या तुमने मुझे पैसे लेने हैं, इसको पहचाना जा सके। तो आइए जानते हैं उस ट्रिक के बारे में। फ्रेंड्स, ओ डब्ल्यू ओ से पहले जिस भी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही हो, आई यू दे ही शी वी, जिस भी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही हो उसने ओ डब्ल्यू ओ के बाद जो वर्ड आ रहा है उसका हमेशा कर्जा देना होता है। ओ डब्ल्यू ई ओ वर्ड से पहले जिस भी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही हो उसने ओ डब्ल्यू ई ओ वर्ड के बाद हिम, हर, देम जो भी आएगा उसका हमेशा कर्जा देना होगा। ओ डब्ल्यू ई ओ वर्ड से पहले का जो ह्यूमन बीइंग होगा वो हमेशा देनदार होगा, और ओ डब्ल्यू ई ओ वर्ड के बाद जिस भी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही होगी वो हमेशा लेनदार होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आई ओ यू, आई ओ यू, यहाँ पे ओ डब्ल्यू ई ओ से पहले क्या आया, आई यानी कि मैं। अब मैं कौन हो गई, आई ओ यू, मुझे आपके पैसे देने हैं। अगर यहाँ पे आए यू ओ मी तो यहाँ पे मतलब है इसका आपको मेरे पैसे देने हैं। समझ में आया, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओ डब्ल्यू ई ओ वर्ड से पहले जिस भी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही होगी उसने हमेशा पैसे देने हैं, और ओ डब्ल्यू ई ओ वर्ड के बाद जिस भी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही होगी उसने हमेशा पैसे लेने हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ओ डब्ल्यू ई ओ वर्ड को यूज करने में कभी गलती ना करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल द ग्रामर गेम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।